नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को जब से ये पता चला है कि 18 मार्च को उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है और उनके ऊपर एक बार फिर से सुनवाई होगी, तो यकीन मानिए कि रिया चक्रवर्ती के पूरे तरह से होश उड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अब जो NCB है वो रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान सिंधे के सामने खड़ी होती हुई नजर आएगी और अब ये मुकाबला आप सभी को सतीश मान सिंधे वर्सेस NCB देखने को मिलेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती जैसे ही उसे पता चला कि 18 मार्च को उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है तो वो तुरंत ही सतीश मान सिंधे के पास गई थी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती भलीभांति समझ चुकी है कि NCB उसके पीछे हाथ धोकर के पड़ी हुई है। और यकीन मानिए कि अब NCB ने रिया चक्रवर्ती के बुरे दिन लाना शुरू कर दिया है और NCB तो अपना पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि कैसे भी करके रिया चक्रवर्ती को जितना ज्यादा दिनों तक हो सके उतना ज्यादा दिनों तक सजा दी जाए। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि क्या रिया चक्रवर्ती को रियल में ही 18 मार्च के बाद सजा होगी, तो यकीन मानिए कि NCB के जो जनरल डायरेक्टर हैं सतीश वानखेड़े वो पूरी तरह से तैयारी कर चुके। आपको विश्वास नहीं होगा कि जो वानखेड़े हैं उन्होंने खुद ही ये चार्जशीट जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के पेश किया है। अब आप समझ सकते हैं कि इस चार्जशीट की कितनी वैल्यू है, क्योंकि ये खुद ले जाकर के लेकर के जाना वहां पर कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस चार्जशीट के माध्यम से अब रिया चक्रवर्ती की पूरी तरह से काले चिट्ठे खुलकर आने वाले हैं और रिया चक्रवर्ती बहुत जल्द आप सभी को जेल के पीछे नजर आएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया है, यानी कि यह बहुत बड़ी बात है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर कोई भी फैसला लेता है तो उस फैसले को कोई भी टाल नहीं सकता है। यहां तक कि रिया चक्रवर्ती उसके बाद देश के किसी भी बड़े आदमी के पास भी चल जाए तो भी रिया चक्रवर्ती को कोई भी नहीं बचा सकता। और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती पहले आप सभी ने देखा था कि जेल से छूटने के बाद वापस बाहर आ गई थी मात्र एक महीने की सजा काट के, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट रिया चक्रवर्ती को दोषी करार देता है तो इनको कम से कम 10 साल और मैक्सिमम 20 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जहां जहां पर कोई भी मुजरिम पाया जाता है ड्रग्स केस में या फिर वो ड्रग्स की स्मगलिंग करता हुआ पाया जाता है तो उसको एक बहुत ही अच्छी खासी सजा मिलती है। तो कम से कम रिया चक्रवर्ती 10 साल तक के लिए आप सभी को जेल में जाती हुई नजर आ सकती हैं और ये बात रिया चक्रवर्ती को भी भली भांति पता है। इसी वजह से रिया चक्रवर्ती सतीश मान सिंधे के पास गई थी। आपको बता दें, इससे पहले भी रिया चक्रवर्ती ऑलरेडी एक बार सतीश मान सिंधे के पास जा चुकी हैं और वहां पर सतीश मान सिंधे ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। यानी कि सतीश मान सिंधे का भी ये कहना है कि अब तो रिया चक्रवर्ती को भगवान ही बचा सकता है, क्योंकि NCB के पास कई तरह के ऐसे पुख्ता सबूत हैं जिससे ये साबित हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को पैसे दिए थे ड्रग्स लाने के लिए। और इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती ने ये सब कुछ सिर्फ अकेले ही नहीं किया बल्कि इसमें सौविक चक्रवर्ती साथ ही सैमुअल मिरांडा और भी बहुत सारी हस्तियां हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आने वाले दिनों में सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे स्टार एक्ट्रेस भी हैं जिनकी पूरी तरह से अब होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि NCB ने यह साफ कर दिया है कि उनका भी बयान बहुत जल्द दर्ज करवाया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर उन्होंने किस तरह से ड्रग्स को हाथ लगाया है। और NCB ने जो इनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए थे उससे बहुत सारे NCB को पुख्ता सबूत मिले हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि इन्होंने कई तरह के ड्रग्स को हाथ लगाया। तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर आप सभी देखेंगे कि पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती और साथ ही तमाम बॉलीवुड के एक्ट्रेस अब गिरफ्तार होने वाले हैं। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।